किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं आलू निकालने की मशीन, और हमारे साथ सीधा कंपनी से सर से पूरी जानकारी लेंगे कि आलू निकालने की मशीन और खाद डालने की यहाँ पर दो मशीनें कैसे किसानों की काफ़ी फायदेमंद है। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय दीजिए, फिर इन मशीनों के बारे में बताइए अपनी। सर हमारी कंपनी अमनदीप एग्रो इंडस्ट्री है जी, और हमारी कंपनी पोटैटो ग्रेडर, पोटैटो डिगर जी, और स्प्रे पंप बनाती है। अच्छा, स्प्रे मशीन हो गए, खाद डालने की मशीन और आलू निकालने बनाती है सर। जी जी। तो इस मशीन से क्या किया जाता है, थोड़ा इनके बारे में बताइए किसानों को। ये इसमें जो है ये 450 लीटर वाली है जी, और इसमें आठ बोरियाँ आ जाती हैं, लगभग 4 से 5 क्विंटल। हाँ जी सर। अच्छा, ये इसके अंदर इसे क्या काम किया जाता है सर? सर इससे आलू बीजने से पहले जी जो रे होता है वो छिड़का जाता है, खाद। हाँ जी, खाद जी जी, वो छिड़का जाता है सर। तो फर्टिलाइजर तो सर लगभग, अगर इससे बात करें कितने एचपी का ट्रैक्टर से चला पाएगा? सभी जो ट्रैक्टर होते हैं उससे चलेगा ये। अच्छा, और इधर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये क्या मशीन है, थोड़ा इसके बारे सर, में किसान। ये है पोटैटो डिगर, आलू निकालने की मशीन। हाँ जी जी। कैसे काम करती है, क्या क्या इसमें, थोड़ा बताइए। ये जो है हमारी 540 उसकी स्पीड से चलती है जी, और यहाँ ये जो लगी हुई है आगे की तरफ जी, ये बट को थोड़ा सा नरम करती है। अच्छा, बेड को पहले नरम करेगी और जो रोड़े रूड़े होते हैं उसको थोड़ा सा वो कर देगी, बोर देगी जी, और उसके बाद यहाँ से चलती है और मिट्टी को खोदते हुए आलू को बाहर निकालती है। ये है 110 सरियों वाली है। अच्छा। ये ज़्यादा लंबी इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो मिट्टी है अच्छे से निकल जाती है जी, और आलू साफ निकलता है। साफ इसके इसके पीछे एक रोल लगाया हुआ है जी, जो जमीन को पद्धर करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सर बता रहे हैं, इसके पीछे का रोलर लगा हुआ है जो जमीन को समतल करते हुए चलता है, ये वाला सर। तो सर अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ, आपने इसकी कीमत? सर हम YouTube पर कीमत को डिस्क्लोज नहीं करते। अच्छा, अगर अगर कस्टमर या डीलर हमसे बात करेगा उनको हम बता सीधा आपने सर। तो किसान भाइयों, आप बता रहे बाकी वीडियो के सर में आपके नंबर भी दिए जाएंगे, आप इनके संपर्क भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इनकी खाद डालने की मशीन है और ये आलू निकालने की, ये इसे लगभग कितने एचपी का ट्रैक्टर ऑपरेट कर पाएगा सर? सर लगभग सभी ट्रैक्टर इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, मतलब कि 30 HP से ज़्यादा ज़्यादा के। हाँ जी हाँ जी। और इसके अलावा सर यहाँ पर ये इसके बारे में बताइए क्या है? सर ये भी सेम मॉडल है इसका जी, ये 90 सरियों वाला है। अच्छा। हाँ जी। तो ये छोटा है ये? हाँ जी सर। तो ये इसकी चौड़ाई है जो वो ज़्यादा है जी। हाँ जी, बाकी सेम, सभी चीज़ सेम है। जैसे कि सर इसकी जो ये है 60 इंची वाला कहते हैं इसे जी जी, और ये उसकी तरह ही सेम पहले बेड वो करती है जी। इसके जो हमने जाल लगाया हुआ है, इसके जो पटे हैं वो 4 हैं। अच्छा अच्छा। इससे फायदा क्या होता है? फायदा सर इससे होता है कि जब जो ये जाल है उसकी ज़्यादा टाइम तक मजबूती बनी रहती है। हाँ जी। अच्छा सर, आपकी कंपनी का जो ये आलू निकालने की मशीन है, इसमें और कंपनी में इसमें ऐसे क्या अलग है जो आपका औरों से अलग बनाती है? सर हमारा जो ये डिगर का वेट है वो 7.5 क्विंटल, छोटे वाले का। हाँ जी इसका। और इसका बड़े वाले की बात करेगा? इसका थोड़ा सा ज्यादा, ये छोटा है सर, ये मॉडल छोटा है, ये मॉडल छोटा है। और ये चौड़ाई में, चौड़ाई में इसका वेट ज्यादा होगा, और इसका सर 7.5 क्विंटल के आसपास, और ये अलग होता है इससे जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, बाकी भैया बता रहे हैं कि ये किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, आप घंटों का मिनटों में आप इसे कर सकते हैं, आलू निकाल सकते हैं। और भैया ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसानों को इन मशीनों के बारे में बताया। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।